पोटैटो एफिड, आलू का माहू या चेपा। सब्जियों का राजा आलू एक मुख्य सब्जी की फसल है जिसके नाना प्रकार के उपयोग है, लेकिन माहू या चेपा कीट का प्रकोप अगर फसल पर हो गया तो ये पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए किसानों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इस कीट का प्रकोप उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में नवंबर के दूसरे सप्ताह तथा पूर्वी मैदानी इलाकों में दिसंबर माह में दिखाई देता है। जैसे ही चेपा कीट का प्रकोप होना शुरू हो या एक पत्ती पर अगर 5 माहू कीट दिखाई दे, तब इसके नियंत्रण के उपाय अपनाने चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी है इस कीट की सही पहचान होना। माहू या चेपा एक छोटे हरे या काले रंग के बहुत ही छोटे और मुलायम शरीर वाले कीट होते हैं। यह कीट पौधों की कोमल पत्तियों और कलियों से रस चूसकर उन्हें कमजोर कर देते हैं। इसके शिशु और वयस्क दोनों ही पत्तियों और कोमल शाखाओं से रस चूसते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती है। यह कीट आलू के विषाणु रोग को फैलाने में एक वाहक का कार्य भी करता है। एफिड एक शहदनुमा चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है जिस पर काली फफूंद लग जाती है। आइए जानते हैं इस रोग से बचाव के उपाय। इस कीट की निगरानी के लिए प्रति एकड़ 4 पीले चिपचिपे कार्ड लगाए, उचित फसल चक्र अपनाए, खेत से खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहे। इस कीट से बचाव आसान है किंतु समय पर करना जरूरी है। बचाव के रूप में शुरुआत में ही नीम सत्व की 50 ग्राम की मात्रा प्रति लीटर पानी के प्रमाण से स्प्रे करें। खड़ी फसल में रोग के लक्षण दिखने पर इन रासायनिक नियंत्रण क्रियाओं को प्रयोग में लाए। थाइमिथोक्सकैम 25% WG-ATILA की 5 ग्राम मात्रा को 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। एमिडाक्लोप्रिड 17.8%, पेटोन SC की 7.5 मिली और निमार्क 10,000 PPM की 15 मिली प्रति पंप के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। तो समझ लो जनाब, अगर कि आपने कीट की सही रोकथाम तो आएगी अच्छी फसल और मिलेगा उचित दाम। फसल से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए कृषि ई ऐप को इंस्टॉल करें और हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। कृषि ई ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें।